नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरसा के मैथन राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर कई वर्षों से नहीं हुए मरम्मत का कार्य से टोल के समीप सड़कों की स्थिति जर्जर अवस्था में हो गई थी। आए दिन दुर्घटनाओं का डर बना हुआ था, जिसके बाद टोल प्रबंधक के प्रयास से मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। सर्वप्रथम मरम्मत का कार्य मैथन संजय चौक से टोल प्लाजा तक किया जाएगा, जिसके बाद मुगमा से निरसा तक फिर आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा। प्रबंधक राहुल सिंह ने कहा कि यह काम पहले ही किया जाना था, लेकिन पर्व त्यौहार और बरसात को देखते हुए कार्य को शुरू नहीं किया गया, जिसके बाद सड़कों पर गड्ढों की संख्या अधिक हो जाने से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए NHIA पदाधिकारियों से वार्ता कर कार्य को शुरू किया गया, जो मजबूती के साथ किया जाएगा। राजनीति पार्टियां वाहवाही लूटने में लग गए। टोल प्रबंधक राहुल सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले स्थानीय पत्रकारों को यह जानकारी दी गई थी कि टोल के समीप जर्जर सड़क का मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके बाद कार्य शुरू होते देख कुछ राजनीतिक पार्टी टोल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपने का कार्य शुरू किए और टोल के समीप सड़क मरम्मत की मांग की। मेंटेनेंस के थ्रू हो रहा है, लोगों की शिकायत थी, रोड खराब थे, इसके लिए बारिश खत्म हुआ है तो हम रोड का मरम्मत कर शुरू कराए हैं। आज से शुरू हो गया, लगभग 2 दिन में इसको खत्म कर लिया। ये कहाँ से कहाँ तक है सर? अभी ये चाहे जैसे संजय चौक, मुगमा और खुदिया फाटक, ये जहाँ जहाँ रोड ज़्यादा डैमेज है पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।